આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર બિચ્છુ ગેંગના સુલતાન ઉર્ફે ટીપુ યુસુફ મિયા શેખ તથા તોસીફ ઉર્ફે પુર્યો સબ્બીર હુસેન મલેકની જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશને લાવતા તેઓના પરિવારજનોએ જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જઈ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરીને લઈ તેઓએ વિરોધ કર્યો હતો તથા તેઓએ તેઓની આપવીતી મીડિયા સમક્ષ રજૂ કરી હતી. નઝીર શેખ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, વડોદરા. साथ आप यहाँ पर जीबी पुलिस स्टेशन में आओ, किस मामले को लेकर आओ, क्या विरोध कर रहे हैं अभी? सर, इसमें ऐसा है ना कि कल रात को 9 बजे मेरा भतीजा है शेख सुल्तान, टीपू सुल्तान, उसको ऐसा बोला गया कि चल तेरे को 5 मिनट का जवाब लेके हम तेरे को छोड़ देंगे. उसकी जगह पे आज रात को 7 बज चुके हैं, हमारे को कोई चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं ये लोग. प्लस ऐसा बोल रहे हैं कि ये है वो है, कोई चीज का हमको जवाब तो मिलना चाहिए. सुबह से घुमा रहे हैं हम लोगों को, सुबह से घुमा रहे हैं, ये पुलिस चौकी में जाओ, ये पुलिस चौकी में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ. लेडीज है, मेरी भाई सुल्तान की मम्मी है, वो पैरालिसिस है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उनका कौन सब करेगा ये तो आप लोग सोचो. जब पुलिस कितनी सारी दादागिरी बढ़ गई है यहाँ पे, ये बैठे ने क्यों लेता है हमारे लड़कों को, कोई कसूर नहीं है. 3 बरस से लड़कों को पता नहीं कैसे है, 3 साल से लड़कों का कोई कसूर जी. आज यहाँ पर आप जीबी पुलिस स्टेशन पर आए, क्यों आए और क्या विरोध कर रहे हैं? अरे विरोध का सवाल ये है, हमारा सवाल ये है कि हमारे लड़कों को यहाँ पे क्यों लाया गया है जब कोई उनका कोई कसूर नहीं है. 3 साल से वो लोग नौकरी धंधा कर रहे हैं, उनके बाहरी बच्चों को संभाल रहे हैं, उनके माँ बाप को संभाल रहे, फिर ये क्यों ही लड़कों को यहाँ ला गया? हम लोगों को रात के 9 बजे से ये पुलिस चौकी में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, हर जगह से हमको कोई जवाब सही से मिल नहीं रहा है. हमारे को ये जानना है कि हमारे लड़कों का कसूर क्या है कि इनको यहाँ पे ला के ऐसा अंदर अंदर बंद रखा है. हमको ना उनसे मिलने दे रहे हैं, ना कोई स्टाफ हमारे से बात करने तैयार है. 3 साल से लड़कों का कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह कोई नहीं है लड़कों का, लेकिन ये लोगों को हम लाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को कि लड़कों को यहाँ पे क्या ला के रखा है, क्यों ला के रखा है. आपको कैसे पता चला कि आपके बच्चे यहाँ पर आए पुलिस स्टेशन? हम लोगों को तो मेले में से पता चला कि आपके लड़के को मतलब के बहाने से बुला के लेके गए हैं कि 5 मिनट के लिए आया, तो हमारे संगा सही करके चला है ना, तो हमको तो ऐसा कि वो सही करके आ ही जाने वाला है ना. इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम लोग गलत झूठ बोल के बच्चों को लेके चलाओ पुलिस चौकियों में. किसकी ओर से इन लोग को ले गए थे कल? मतलब कौन ले गया था उनको वहाँ से? वो स्टाफ वाला आए थे, मतलब डीसीपी स्टाफ वाला थे क्राइम ब्रांच में से, कि तुम्हारा जवाब लेके हम तुमको छोड़ देंगे. उसके बदला आज 7 बज चुके हैं, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं. बच्चों को यहाँ नर्मदा भवन ले गए, SSG में ले गए, कोरोना चेक करवाया, कोई मतलब ही नहीं है. आपको पता कैसे चला कि जेबी पुलिस स्टेशन में इनको लाए? अरे हम लोगों को हमारे घर वालों ने पता चला है कि ये जेबी पुलिस स्टेशन में. हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं उनको कि किसी के, हम लोगों को पुलिस भवन में से गए तो वहाँ से पता चला कि इनको जेबी पुलिस चौकी में 2 लड़कों को लेके गए. जब यहाँ पर आए तो हमने हमारे बच्चों को देखा. किसको किसको लाए इधर? ये तोसीफ है, तोसीफ भाई है पूरिया, टीपू सुल्तान शेख. आपका नाम? शेख अफसाना. जी आज जेबी पुलिस स्टेशन में क्यों और क्या विरोध कर रहे हैं? मेरे बेटे के लिए आए, मेरा बेटा रात को निकला और वहाँ क्या बैठक पे बैठा था, वहाँ से 2 पुलिस वाले आए और बोले चलो जवाब लिखा के नए कमिश्नर साहब आए तो आपको बुलाया है. वो लड़का गया तो आज इतना टाइम हुआ, मेरा लड़के को हजू छोड़ा नहीं और कहाँ उसको भटका है, नर्मदा भवन ले गए या JP मेला है. उसका बाप डायबिटीज वाला पेशेंट है, वो बच्चा हमारा पूरा करता है, बुढ़े माँ बाप है, इसलिए कमिश्नर साहब ऐसा करते हमारे साथ. क्या गुनाह है हमारे बच्चे का वो तो बताया मैं, कि ये बच्चे ने गुनाह किया इसलिए इसको पकड़ के लाया. लड़के सुधरना मांगते, सुधरना मांगते, तुमको सुधरने नहीं देते माँ बाप. क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, हमारा किस तरह पूरा होएगा? लॉकडाउन की वजह से, बीमारी की वजह से हम इतने हैरान हैं, धंधे नहीं है, खाने पीने की तकलीफा और उस पर ये तो क्या करेंगे हम? आपसे अर्ज है ऐसा मत करो कि बच्चे बिगड़ जाए, बच्चों को सुधरने दो. हाथ जोड़ के तुम्हारे से विनती करता हूँ कि हमारे बच्चों को मत परेशान करो, वो सुधर गए, सुधरना चाहते, अपनी फैमिली के साथ अच्छे रहना चाहते, फिर आप क्यों ऐसा करते? कोई कसूर तो बताए कि इनका ये कसूर है, ये इसलिए हमने पकड़ा है. ऐसे तो कोई पकड़ता है बच्चों को, माँ बाप तड़प रहेंगे, बाप को कुछ हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन? माँ बूटी है, कौन संभालेगा? के
केस भी अभी तक बनाया नहीं है। आपका नाम? नासिरा खानम। अभी तक केस भी बनाया